मैं ये वीडियो आप सबसे गैर मशरूत माफी मांगने के लिए बना रहा हूं। कोई अगर नहीं, कोई लेकिन, कोई चूके चुनाचे नहीं। हो सके तो मैंने पिछले 8-10 बरस में जो काम किया दयानतदारी के साथ, अल्लाह ताला की जात जानती है, उस काम के सदके मुझे माफ कर दीजिएगा। आयशा इकराम और रैम्बो की जो हालिया ऑडियो सामने आई, जिसमें वो गिरफ्तार मुलजमान की रिहाई के और उनसे डील करने के बदले 5-5 लाख रुपए की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, मैं जिस चीज पर आयशा के साथ खड़ा था, वो लम्हा था जब उसके साथ बदतमीजी बदतहजीबी की गई, जब उसके कपड़े फाड़े गए, बाद में भी उसकी कुछ झूठी सच्ची वीडियो जब सामने आई, तो भी मेरा ये ख्याल था कि उसका किरदार उसके और उसके अल्लाह का मामला है, मगर जो उसके साथ हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इकरारुल हसन की गिरफ्तारी की एक वीडियो शेयर की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख रहे हैं, जिसमें इकरारुल हसन को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। इस हवाले से सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि लाहौर में टिकटॉकर्स की गिरफ्तारी के बाद अब इकरारुल हसन को भी गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये सोशल मीडिया सार्फिन दावा कर रहे हैं कि इन्होंने मुल्क को बदनाम करवाने के लिए साजिश की और कोशिश की। अब उनकी गिरफ्तारी की वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब उनके अकाउंट्स पर से ये भी कहा जा रहा है कि इकरारुल हसन को गिरफ्तार नहीं किया गया, वो सेफ हैं, सिक्योर हैं, और इस हवाले से कुछ उनके मुखालफिन उनकी गिरफ्तारी की फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। याद रहे गुज़श्ता माह उनके खिलाफ ट्रेंड गर्दिश कर रहा था, जिसमें इकरारुल हसन की गिरफ्तारी के लिए कहा जा रहा था कि उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उन्होंने मुल्क की बदनामी की कोशिश की है। अगली वीडियो में तमाम तफसील शेयर की जाएंगी कि हकीकत क्या है। SSA इंसानियत चैनल के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली तमाम नोटिफिकेशन से बाखबर रह सकें।